नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाजार के पंडित में। तो दोस्तों, आज बढ़िया तरीके से अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में एक बाउंस बैक देखने को मिला है और निफ्टी बैंक में भी एक बाउंस बैक देखने को मिला है, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है कि हर चीज के लिए अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आपको देखिएगा, एक तो YouTube चैनल और दूसरा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि हर चंद तरीके की अपडेट आपको वहां पर प्रोवाइड करी जाती है। ज्यादा आपको परेशान भी नहीं किया जाता है और आपको जो इंपॉर्टेंट अलर्ट होते हैं मार्केट से रिलेटेड वो भी प्रोवाइड करे जाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं जो मॉर्निंग के अपडेट हम लोग आपको सुबह 4 बजे उठ के प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि इन सब चीजों को देखना है। आज अगर आप देखेंगे तो प्राइस एक्शन स्टॉक में भी आपको काफी बढ़िया यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिला है। इस स्ट्रैटेजी को जल्दी मैं आपको शेयर भी करूंगा ताकि आप लोग धीरे धीरे इस स्ट्रैटेजी को सीखें और अपकमिंग मंथ्स में आप लोग को भी अच्छी तरीके से इंट्राडे करना भी थोड़ा सा आ जाए, तो वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं सबसे पहले ज्वाइन कर लीजिए, और अगर आप लोग को लगता है कि हम आपके लोगों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं या फिर आप लोग को कुछ हेल्प मिल रही है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जीरोधा में डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, जहां पे आपको मिलते हैं 2 स्विंग ट्रेड स्टॉक। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो निफ्टी बैंक में अगर आप देखेंगे तो ये लेवल्स आपको देखिएगा देखने को मिल रहे हैं, और 29,750 का जो लेवल था, जो आपको यहां पे बताया गया था 29,750 का, उसके ऊपर निफ्टी बैंक ने क्लोजिंग दी है, विच इज वेरी गुड। और इस तरीके की गिरावट देखने को मिली थी तो ऐसा मूव आना बहुत ही अच्छा है, लेकिन हम लोग ये डिस्कस करेंगे। रात का वीडियो जरूर देखा करिए, जो डोजोंस वाला वीडियो होता है वो जरूर देखा करिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको बहुत सारे क्लैरिफिकेशन दिए जाते हैं अगले दिन के लिए, और सुबह मॉर्निंग में 15 मिनट जरूर दे दिया करिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ताकि आपको पूरा व्यू क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे आपको एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, अच्छा रिबाउंड देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी अनसर्टेनिटी क्लियर वे में बनी रहेगी। और आपको पता है कि फेस्टिव सीजन है, अब न्यू ईयर आने वाला है, तो कई सारी चीजें, कई सारी वोलेटिलिटी आपको इस ईयर के एंड तक देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले बात को शुरू करते हैं कुछ अपडेट से। तो देखिएगा, इस साल अगर आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें देखने को मिली जो आप लोगों को कभी नहीं देखने को मिली थी, बट अभी भी चीजें निफ्टी बैंक में किस तरीके से आगे जाएंगी, बैंकों के लिए किस तरीके की स्थिति बनेगी अपकमिंग ईयर के लिए, वो व्यू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमने आपसे कई बार कहा है कि जो लोन मॉरेटोरियम किया गया था, यानी कि बोरोवर्स के लिए लोन मॉरेटोरियम किया गया था, ये पहली बार इंडियन बैंकिंग और कहते हैं वर्ल्ड बैंकिंग के इतिहास में पहली बार ऐसी चीज हुई थी कि लोन मॉरेटोरियम करके रिलीफ प्रोवाइड करा जाए 6 महीने का, और इसके बाद जो बिहेवियर है कस्टमर का वो चेंज हुआ है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप देखेंगे जो सुप्रीम कोर्ट में जो वर्डिक्ट चल रहा है उसमें कहा जा रहा है कि अब ज्यादा एक्सटेंशन नहीं होगा। तो अब एक्सटेंशन नहीं होगा तो आपको पता है कि जो इस समय फाइनेंशियल क्राइसिस है, जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो मिडिल क्लास और पुअर क्लास पे अभी भी बने हुए हैं। तो अगर वो लोग आगे लोन की डिमांड नहीं करेंगे तो बैंकिंग व्यवस्था पे भी बहुत सारा क्वेश्चन मार्क उठ जाएगा। तो अब आने वाले साल में आपको हो सकता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज एन अटेम्प्ट टू प्रोवाइड सम रिलीफ टू दोज स्ट्रगलिंग विद द लिक्विडिटी अनाउंस रिलीफ इन फॉर्म ऑफ मोरेटोरियम। तो देखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो सकता है आपको अपकमिंग ईयर में या फिर अपकमिंग क्वार्टर्स में आपको कुछ इस तरीके के कस्टमर को रिलीफ प्रोवाइड कराए ताकि उनकी लिक्विडिटी क्रंच को देखते हुए वो अपने लोन का क्या करें, भुगतान भी कर लें और वो नए लोन की डिमांड भी करते रहें। क्योंकि अगर नए लोन की डिमांड रुक जाती है तब भी बैंकिंग के लिए अच्छा नहीं है, और बैंकिंग की जो कोर इनकम होती है, कोर रेवेन्यू होता है, वो होती है इंटरेस्ट इनकम। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आरबीआई आने वाले समय में, आने वाले अगर आप समय में देखेंगे तो इस पैंडेमिक को देखते हुए कस्टमर्स को, पब्लिक को कुछ रिलीफ प्रोवाइड करते हुए चीजों को करेगा ताकि लेंडर्स को अच्छी तरीके से लोन प्रोवाइड कर सकें और बोरोवर्स उसको लेते हुए और इंटरेस्ट का पेमेंट भी कर सकें।
तो ये चीज अगर होगी तो दोनों चीज में जो स्ट्रेस आने की चीजें होनी थी, यानी कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ जाएगा, वो चीजें आपको नजरअंदाज होते हुए देखने को मिल सकती हैं। लेकिन अभी केवल न्यूज बेसिस पे ऐसा कह देना बिल्कुल भी नहीं सही है, क्योंकि इसमें इंप्लीमेंटेशन होना, एग्जीक्यूशन होना, इट विल टेक टाइम। क्योंकि कई सारे लोगों की जॉब चली गई है, कई सारे लोगों की सैलरी कट्स हैं, कई सारी चीजें अभी स्टिल बनी हुई हैं, अभी हो सकता है बनी भी रहेंगी। तो इस सिचुएशन में बैंकों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर वो लोन देने जाते हैं तो पहले से ही लोगों के पास इतना वो नहीं है, इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो वो ऑन बेसिस ऑफ रिलीफ बेसिस, टर्म बेसिस पे लोन अगर प्रोवाइड करते हैं तो लोग लोन लेंगे भी और धीरे धीरे उसको चुकाने की कोशिश भी करेंगे। तो इस तरीके से सर्कुलेशन बना रहेगा और ये सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए। और वहीं पर अगर डिमांड बनी रहती है तो जो अच्छे बैंक्स हैं उनमें आपको बढ़िया तरीके का इंप्रूवमेंट भी देखने को मिलेगा और इतना ज्यादा स्ट्रेस भी देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए लॉन्ग टर्म का व्यू जिसका भी है और अच्छी पोजीशन जो भी बना के बैठे हैं, जैसे कि मैंने कल कहा था कि, तो आपको ये समझना है कि अपकमिंग ईयर का व्यू कैसा है, अपकमिंग ईयर का व्यू कैसा है, बैंकिंग और आरबीआई से आपको क्या चीजें सुनने को मिल सकती हैं। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जिसमें गवर्नमेंट या फिर आपको देखिएगा बैंक क्या कर सकते हैं, कुछ रिलीफ अपकमिंग मंथ्स में प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे बोरोअर के लिए क्या हो जाए, सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल हो जाए। और अब तक अगर आप देखेंगे तो कई सारी चीजें प्रोवाइड करी गई हैं, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको जो बताया वेविंग ऑफ इंटरेस्ट की सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्रेडिट करा है। इसके अलावा स्ट्रक्चरिंग लोन के बेसिस पे आपको चीजें बेनिफिट देखने को मिल रही है, तो कई सारी चीजें प्रोवाइड करी है। बट लॉन्ग टर्म में इंपैक्ट ये आएगा कि जो बैड लोन्स हैं उस पर किस तरीके से रिफ्लेक्शन आते हैं, कितने एनपीओ होते हैं, कितने बैंक उस एनपीओ को ऑब्जर्व कर पाते हैं, तो वो चीजें छोटे बैंकों के लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी क्रिएट करेंगी। तो उस पे देखिएगा, हो सकता है आने वाले समय में कुछ आपको कुछ बेहतर रिजल्ट अगर आपको देखने को मिलते हैं तो वहां से डिमांड भी बनी रहेगी और बैंकों की स्थिति भी बढ़िया रहेगी। और मैं हमेशा कहता हूं कि अभी अभी के लिए आपको उन बैंकों में बने रहना जो फंडामेंटल, जिनकी बैलेंस शीट काफी अच्छी है, क्योंकि जो न्यू स्ट्रेन ऑफ COVID-19 देखने को मिल रहा है वो अगर थोड़ा सा ट्रिगर होता है मार्केट में तो फिर इकोनॉमिक सिस्टम क्या हो जाएगा, फिर से रुक जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ में फिर से थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, तो उस समय बैंकों के लिए सबसे बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो अगर आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक ने 29883 पर जो क्लोजिंग दी है उसके बेसिस पे आप जो आगे का रेजिस्टेंस बन रहा है वो बन रहा है 30300 का। 30300 का बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और अगर यहाँ पे सर्वाइवल नहीं आता या फिर निफ्टी बैंक में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है तो सपोर्ट बन रहा है 29500 के आसपास। तो ये आपको अपकमिंग डे के लिए याद रखना है। अभी वोलाटिलिटी आपको बिल्कुल बनी रहेगी निफ्टी बैंक पे, तो किसी भी तरीके की जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत ही आराम से आपको फूक फूक के कदम रखना है ताकि आपका जो ईमानदारी का पैसा है वो बहुत आराम से एग्जीक्यूट भी हो और आपके बेनिफिट्स भी आपको बनते हुए देखने को मिले। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बैंकों में काफी अच्छा रिबाउंड आया है, आज अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छा बाउंस बैक भी देखने को मिला। कई सारे बैंक हैं जो अभी भी काफी बेहतर स्थिति में है, जैसे बंधन बैंक हो गया, अगर आप देखेंगे SDFC बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया और कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, फेडरल बैंक में भी ठीक ठाक मूव आपको देखने को मिल रहा है। वोलाटाइल स्टॉक कौन से हैं अभी के लिए, अपकमिंग सेशन के लिए जो वोलाटाइल स्टॉक है मेरे लिए इंडसइंड बैंक है। इंडसइंड बैंक में देखिएगा बैंक बड़ा है तो स्ट्रेटजी आपकी थोड़ी सी ऐसी हो जाएगी 10-15-25 की बना लीजिए। अब 10-15-25 क्या है, 10-15-25 ये है कि देखिएगा जब भी कोई स्टॉक वोलाटाइल होता है और जिस सेक्टर का होता है, जैसे ये बैंकिंग सेक्टर का है तो आपको निफ्टी बैंक को ट्रैक करना है, निफ्टी बैंक में आपको मिलेगा तो स्टॉक में अगर बेस बना रहता है तो इसमें भी आपको मूव देखने को मिलेगा। तो इन स्टॉक्स में क्या होता है, आपको अपना एक मार्जिन रखना पड़ता है कि मैं 10 पे एग्जिट हो जाऊंगी अगर हो जाऊंगा, और देन आफ्टर दैट अगर अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता है निफ्टी बैंक में तो आप अपना स्टॉप लॉस क्या कर सकते हैं, ट्रेल करके अपने टारगेट को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी होती है, दोनों तरफ होती है। अगर आपको लगता है निफ्टी बैंक प्रेशर में है तो सेम चीज आपको देखने को मिलेगी, और स्टॉक में मूवमेंट अगर आप देखेंगे तो 20 रुपए के मूवमेंट पे तो स्टॉक क्लोज ही हुआ है, लो बनाया था 32 का, हाई बनाया है 61, और वहीं पर आपको क्लोजिंग भी देखने को मिल रही है। तो स्टॉक के जो सपोर्ट है इस समय, जो सपोर्ट है बेस सपोर्ट है वो है 835 का। ये 835 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ये सपोर्ट अगर नहीं तोड़ता, इसके ऊपर ही रहता है, तो ऊपर की तरफ पहला रेजिस्टेंस बनेगा आपका 875 का,
और दूसरा बनेगा रेजिस्टेंस 885 का, अगर निफ्टी में कल अच्छे मूव देखने को मिलते हैं, जो लेवल बताए गए अगर निफ्टी वहां पे अचीव करता है तो ये रेजिस्टेंस आपको बिल्कुल दिमाग में रखने हैं, बिल्कुल भी लालच नहीं करना है, लर्निंग पर्पस के लिए ये चीजें आपको याद रखनी है ताकि आपको भी चीजें समझ में आए, जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो कॉन्फिडेंस भी आएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।